अपने घर वालों की सलामती चाहती हो तो लोहा फैक्ट्री में आकर मिलो। विधि, हमने देख लिया है, हमें यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा फोन भी गाड़ी के अंदर रह गया है और गाड़ी की चाबी भी अंदर है, और इस आंधी तूफान में हमें कोई मदद करने भी नहीं आएगा। एटलीस्ट इस आंधी की वजह से वो इंसान हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम्हें चोट लगी थी ना? ये क्या कर रहे हो तुम? घरेलू नुस्खा है, इससे विधि ऐसा कहा करती थी कि कच्ची मिट्टी लगाने से घाव जल्दी भरता है। बंधन बंधा है इस बंधन में, कब हम जुदा है इस बंधन में, कब हम जुदा अबीर, I love you। तेरा मेरा जन्म जन्म का सा, तेरा मेरा जन्म जन्म का सा, तेरा मेरा जन्म जन्म का सा। अच्छा, तो अब हम समझे कि तुमने ये जो कुछ भी बोला हमारी हिचकी बंद करने के लिए बोला है ना? अजीब बात है, ये तो विधि का नुस्खा है और हमने तो तुम्हें बताया नहीं। तुम तो कॉमन है, सभी जानते होंगे, इसलिए तुमने भी कह दिया और हमारी इसकी भी मान लो। हाँ बन्ना सा, ये सच ना है। तो सच क्या है विधि, कह क्यों नहीं देती तुम सच? बोलती क्यों नहीं कि तुम विधि हो? इतना सब होने के बाद भी जब हमने आपको अपने के साथ देखा, सारी इंसानियत सारी प्यार की दीवार बन गई। आप ही बताइए हम आपको कैसे कुछ बताते जब हमने अपनी आंखों से देखा कि आपकी मां पे आपके नाम का सिंदूर सजा हुआ है। तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा? लेकिन नहीं, तुमने सोचा कि सिया बनके हमारे प्यार का मजाक उड़ाया जाए, और ये जानते हुए भी कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, उसके बावजूद भी हम ऐसा कैसे कर सकते? एक तरफ आप मारे से जन्म जन्म की साथ की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आपने मारी और मेरी गोली चला दी। कैसा प्यार हुआ ये बता सा बताइए। हमने गोली नहीं चलाई थी दीदी, हमें पारस ने मजबूर किया था, ब्लैकमेल किया था कि हम तुम पे गोली चलाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने गोली नहीं चलाई, गोली त्रिशाला ने चलाई थी। लेकिन नहीं, तुमने एक बार भी विधि बनके हमसे पूछने के लिए नहीं सोचा। तुमने ये नहीं सोचा कि आके हमसे पूछ ले कि नहीं, तुम्हें तो सिया बनना था ना, तुम्हें तो सिया बनने का शौक था। कैसे बताती हो जब हमने अपनी आंखों से तुम्हारी तस्वीर जलाते हुए देखा,
जब हमने अपने कानों से सुना कि आप हमारे से इतनी नफरत करते हैं, तो हम आपको कैसे कुछ बताते? हमें मजबूर किया गया था, हमें ब्लैकमेल किया गया था। हम तुम्हें कह रहे हैं कि हमने वो सब जानबूझ के नहीं किया, एक बात पूछा तक नहीं हमसे। गलती मारी, हर बार की तरह गलती मारी। नहीं बनना सर, गलती सिर्फ आपकी है, गलती सिर्फ आपकी थी। आंधी को भी अभी चलना था, तुम्हारी बात पूरी नहीं हो पाई। बात नहीं बनना, तकरार। लगता है हवा भी नहीं चाहती कि हम दोनों लड़े। हम जन्म जन्म के साथ ही हैं इसलिए, लेकिन लगता है किस्मत हमें आज साथ में वापस लेकर आ रही है। हाँ बनना, पिछले जन्म के उन साथियों की तरह जो हर बाधा को पार करके इस जन्म में मिल जाएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो विधि। चलो अब हम अपनी कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां से अधूरी छूटी थी। हाँ बन्ना साहब, पिछले जन्म के साथियों की तरह जो हर बाधा को पार कर इस जन्म में एक हो गए। हम जुदा है ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। हम वादा करते हैं तुमसे कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। हाँ बनस, मरने के बारे में बात मत कीजिए। जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। हो जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा है, इस बंधन से कब हम जुदा है। जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ, जन्म जन्म रो साथ, जन्म 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 रो साथ, मेरा जन्म जन्म।
चले गए। पनासा कहाँ है आप? जी इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज देखिए। हाँ, उसने एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना था और हाइट अराउंड 5 फीट के आसपास होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मामला बहुत गंभीर है, आप प्लीज इस पर थोड़ी कार्रवाई जल्दी से जल्दी कीजिए। हमें बताइए, हम आपके कॉल का वेट कर रहे हैं। ओके पनासा, कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हमारा दिल तो बैठ ही गया था। आप वादा कीजिए मारे को, वादा कीजिए कि आप मारे को कभी छोड़ के ऐसे नहीं जाएंगे। कीजिए। वादा करते हैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रही है? हम तो सिर्फ अपना फोन लेने गए थे कार से, लेकिन कार लॉक थी तो खिड़की तोड़ के फोन निकालना पड़ा, क्योंकि हमें घर पे फोन करके पूछा था कि सब कुछ ठीक तो है। बस सब कुछ ठीक है ना? हमारी बेबी हमें वापस मिल गई है, अब सब कुछ ठीक है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बेबी, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। चलो हम घर चलते हैं और आप सबको बताते हैं। एक मिनट, क्या ढूंढ रहे हैं? हम वो अपनी खानदानी चेन ढूंढ रहे हैं, वो जो माँ हुकुम ने हमें बहुत प्यार से पहनाई थी, और हम चाहते हैं कि आप भी वो हमारे बच्चे को पहनाएं। लेकिन वो पता नहीं कहाँ गिर गई, हम देखते हैं। ये आप रखिए, आप हमारे बच्चे को पहनाइएगा। बहुत प्यार से हमारी माँ हुकुम ने ये चेन हमें दी थी जब हम छोटे थे, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपसे अपनी हर गलती की माफी मांगी, हर गलती के लिए हमने पश्चाताप किया, लेकिन लेकिन एक गलती की माफी हमने अभी तक आपसे नहीं मांगी। आपने हमें सब चीज के लिए माफ कर दिया, लेकिन हमारी माँ हुकुम ने जिस तरीके से आपके साथ बर्ताव किया, जो सलूक किया, कुछ ऐसा ट्रीट किया, उसके लिए हो सके तो हमारी माँ हुकुम को भी माफ कर दीजिएगा। नहीं, हम जानते हैं उन्होंने बहुत पाप किया, और देखा जाए तो उनके कर्मों के भागीदार हम भी हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया। हमारे से माफी मांगकर हमारे को शर्मिंदा ना कीजिए। वो आपकी माँ है और उनसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, और हम उनको कब का माफ कर चुके हैं। मेरी तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? आज वो दिन है जो साल भर पहले हमने एक दूसरे के साथ शादी की थी। हम भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें फिर से तुम्हें मिला था। हम जानते हैं कि वो शादी जबरदस्ती से हुई थी, लेकिन आज के दिन हम अपनी मर्जी से आपके साथ वही साथ के लिए लेना चाहते हैं, साथ वचन लेना चाहते हैं, और आपको वादा करना चाहते हैं कि आप और हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। हम अपना दिल, अपनी जान और अपनी आत्मा सब कुछ आपके हवाले करना चाहते हैं। तुम्हारी बात सुन ली मैंने, लेकिन लाड़ो मैंने माफ कर दे, किसी और का कलंक मैंने तुम्हारा पे लगा दिया। क्या क्या कह रही है उनको, क्या सोच रहे होंगे वो, मैंने माफ कर दे, जोरे मैंने माफ कर दे। मैं थारे को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, अगर गलती इंसान से नहीं होगी तो फिर क्या भगवान से होगी। ये समय बीती बातों को याद करके रोने का ना, ये समय आगे बढ़ने का, सब कुछ भूलने का। मैं इतनी जल्दी ना भूल सकूं, मुझे तो ये समझ में ना आवे कि ये किया किसने और क्यों। बता छोरी, दरोगा जी ने उसे पकड़ लिया या नहीं, पता ना मने? पकड़ लेंगे तो फिक्र क्यों करती है, थारे को आराम करना चाहिए, चादर ओढ़ के आराम कर और सब कुछ भूल जाए। छोरी छोरी, आराम करने तो मुझे तब मिलेगा जब तू सच सवरती फिर से अग्नि की साक्षी में पन्ना सा से फेरे लेगी
पहले दिए हुए सारे वचन फिर से निभाएगी, तब मन खुशी होवेगी, तब मन आराम मिलेगा। और कोई डिजाइन दिखाई ना, एकदम यूनिक और लेटेस्ट, ये मजा नहीं आ रहा। हाँ इंस्पेक्टर सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या हुआ वीर, कुछ पता चला? हाँ वंश, वो पुलिस अपना काम कर रही है, वो जल्द से जल्द पता लगा लेगी कि वो कौन था। अच्छा सुनो ना, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, बहुत कम वक्त, हमें विधि के लिए मंगलसूत्र सिलेक्ट करने में मदद कर दोगे? आज हमारे लिए और विधि के लिए लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, प्लीज। व्हाई नॉट, चलो। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, उसको रख दो। हाँ ये परफेक्ट है, ये विधि को बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर। हाँ पसंद तो आएगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या ना, विधि 26 साल की है, 600 साल की नहीं यार, बहुत पुराना है, इसको थोड़ा लेटेस्ट देखते ना। यहाँ मुहूर्त का वक्त होने वाला है और यहाँ पे हम एक मंगलसूत्र सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो समझ में नहीं आ रहा कि हम विधि को खुश रख भी पाएंगे कि नहीं। अबीर कम ऑन, और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन विधि की खूबसूरती ना उसकी सादगी, उसकी सच्चाई, उसकी बेबाकी में, उसे महंगी चीजें, ये हीरे जवाहरात, ये सोना, ये सब पसंद नहीं आएगा, और ये सब उसके लिए मायने नहीं रखते। उसके लिए मायने रखती है छोटी छोटी चीजें, छोटी खुशियां, ऐसी चीजें जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला सके, ऐसी चीजें जो दिल को सुकून दे सके। और वैसे भी महंगे तोहफों की मोहताज नहीं है, तो विधि का मंगलसूत्र विधि की तरह होना चाहिए, है ना? ये ज्यादा महंगा तो नहीं है, लेकिन इसमें मुझे विधि दिखाई देती है, सिंपल एंड ब्यूटिफुल। वाओ ब्यूटिफुल, विधि को ये बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें विधि को हमारे पास लाने के लिए। अरे अबीर, आप भी कहां बातों में लग गए, चलिए मुहूर्त का समय हो चुका है, आइए तैयार हो जाइए, चलिए चलिए। हाँ, हाँ, ये मंगलसूत्र, हाँ, ये आप सीधा मंडप पर ले। हाँ ठीक। इस वक्त हॉस्पिटल से फोन। हेलो, हेलो डॉक्टर वंश, आपको इसी वक्त हॉस्पिटल आना होगा, इट्स एन इमरजेंसी। इमरजेंसी, अच्छा ठीक है, एक घंटे के लिए आता हूँ, एक घंटे में तो लौट ही जाऊंगा, वैसे भी फेरे तो तब तक शुरू नहीं होंगे। पता है क्या चोरी, मैंने तने पहले जैसे सजाया था उससे और ज्यादा खूबसूरत सजाऊंगी, चल चल अच्छे से सजाऊंगी तने। थारे को मेरी मदद करनी है ना? हाँ तो चल आना। क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे रुकना, ये कैसी है? चोखा है, दे मन्ने। जा बोले क्या? अभी लाई। ये देख माई, सुंदर है ना? हाँ रुक, बैठ इधर बैठ। गणी चौकी लागे है, हमारा संसार उजाड़ कर अपनी दुनिया बात करने चली हो ना? नहीं, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी विधि बंसल, हाय लगेगी तुम्हें हमारी। घर वालों की सलामती चाहती हो तो लोहा फैक्ट्री में आकर मिलूं।